और मोहल्ला बार जाए से पुलिस तक डरा थी, जबकि रीवा के अधिकतम नशा के सौदागर वह मोहल्ला मां निवासरत थे। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है। विंध्य जो है नशा के खिलाफ जंग लड़ रहा है और यह जंग मां जीत के कर हुई, नशा के हुई या फिर नशा से लड़ाई वाले के हुई, या तो आवे वाला वक्त तय करी। लेकिन विंध्य के राजधानी कहे जाए वाले रीवा मां एक ऐसा मोहल्ला जो हमारे साथ तस्वीर चल रही है, वो मोहल्ला मां जाए से पुलिस तक डरा थे, जबकि रीवा के अधिकतम नशा के सौदागर वह मोहल्ला मां निवासरत थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल मां हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सबई जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जो अपना के दिमाग के धागा खोल दी। वजह यह कि हमारे साथ चल रही तस्वीर या रीवा के जय स्तंभ चौक से जब अपना रेलवे के जा, मतलब छोटी पुल के तरफ जा, तब बीच रास्ता जो पड़त है वो का रीवा मां कबाड़ी मोहल्ला के नाम से जाना जाता। वह कबाड़ी मोहल्ला से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय है। यदि 2 किलोमीटर दूरी के अंदाजा लगाओ तो वही थे पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय, वही थे कलेक्ट्रेट है, सारी चाक चौबंद प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन स्थिति यह है कि वह कबाड़ी मोहल्ला इतना बड़ा नशे के सौदागर है, जेकर अपना ताकत समझी कि वहां पुलिसों का जाय में डर लागत है। पुलिस जेका कानून के सबसे ताकतवर व्यवस्था दीन गई, उनके पास आधुनिक हथियार, दौड़ धूप वाले बिल्कुल ट्रेंड पुलिसकर्मी, लेकिन उसके बावजूद स्थिति यह है कि कबाड़ी मोहल्ला मां बिक रहा अवैध नशा आज दिनांक तक खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा है। और यह बिक्री के वजह का है, जब पूरे विंध्य में लगातार रीवा आईजी के द्वारा दावा किया जाता है कि हम गली गली, गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा छापा मार कार्यवाही कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में नशीली कप सिरप और नशा के अवैध सामग्री जब्त कर रहे हैं, तो सवाल यह उठत है कि कहा रीवा के कबाड़ी मोहल्ला कौनो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी का दिखात नहीं लगा। आखिर का है वजह कि कबाड़ी मोहल्ला मद्दबिस दे से पुलिस तक डरा थी। स्थिति यह है कि बीते दिन एक खबर सुने हो, एक खबर पत्रकार के द्वारा लिखी गई कि एक कोरेक्स बेचे वाली महिला जो खुलेआम अवैध नशा के व्यापार कर रही, वह महिला लगातार कोरेक्स बेच रही। पत्रकार के द्वारा यह खबरन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया। नतीजा यह निकला कि उक्त अवैध नशा के कारोबारी उक्त पत्रकार पर हमला कर दी, उस सरे राह खुलेआम हमला कर दी। यह मामला अमहिया थाना के है। मतलब तब अपना अंदाजा लगाई कि का रीवा कबो ये नशा मुक्त हो सकत है, जब रीवा मां पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कदम भर के दूरी मां कबाड़ी मोहल्ला मां अवैध नशा के खुलेआम कारोबार होत है, पुलिस का जाय में डर लागत ही। अमहिया थाना अंतर्गत एक अवैध नशा के कारोबारी खुलेआम पत्रकार पर भी सड़क पर हमला कर रहा है, तो का कह रही है पुलिस विभाग? पत्रकार सुरक्षित नहीं बच रहा है, अवैध नशा के सौदागर के पूरा जखीरा या कहा जाए कि सौदागरन के पूरे गैंग का पोषित करे के काम यदि पुलिस विभाग कह रहा है, तो आखिरकार इन पर कार्यवाही को करी कैसा खत्म होई विंध्य के या नशा के
पूरा गिरोह और यह नशा के पूरे सौदागर, बड़ा सवाल है। यदि अपनों का लागत है कि या हम जायज बात कह रहे हैं या नाजायज बात, तो अपना कमेंट बॉक्स में अपन राय अवश्य दें। काहे कि नशा के खिलाफ जंग लड़ाई के जो कहा जाए बिंद के जज्बा है वह तब बहुत बड़ा है, लेकिन कहा थे ना कि अपने चाटे गोर होए का है। स्थिति यह है कि यहां पुलिस अपने में फूल रही है, प्रशासन अपने में फूल रहा है, व्यवस्था अपने में फूल रही है कि हम सारी चीज दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन वही थे मूड़े मां इन नशा के सौदागर नंगा नाच कह रहे हैं, केहू का फर्क नहीं पड़ रहा है। आज युवा पीढ़ी जेके हाथ मां कलम औ किताब हो चाहिए, वह कलम किताब न हो के आज कोरेक्स के कप सिरप है, नशा की वह टैबलेट है, गांजा की वह पुड़िया है। अपना कल्पना करी कि एक परिवार कितने पीड़ा से अपने लड़का बच्चन का तैयार करत, जमीन गिरवी रख के उनका पढ़े के इंतजाम करत है, बड़े शहरन तक भेजता है कि बड़े शहरन के बड़े संस्थानन मां ये लड़का जाए के हमारे कुल के नाव, आपन नाव और हमापचन के नाव रोशन करी है। लेकिन ये बड़े शहर उनका नशे के गिरफ्त में यमे ले रहे हैं कि आज गली गली रीवा के कोरेक्स के सीसी से पटी है। उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, खाक अच्छा चल रहा है। जब नौजवान जे देश के समृद्धवान करे खातिर एक कहा जाए कि एक मजबूत कड़िया ही, वह यदि यह नशा के दलदल में घुस रहा है, तबाह हो रहा है, तब फिर यह देश का काकू तबाह हो से रोक सकत है। जिम्मेदारी अपनों के आए और हमारा आए और वो जिम्मेदार अधिकारियों के आए, हमका सबका आय के आगे सोचे का पड़ी। आंकड़ा जो है कौनो जंग के परिणाम नहीं दर्शा बताई, जबकि वास्तविक हालात व जंग के परिणाम बतावत। हम पूछे चाहिए थे जिम्मेदारन से कितने लड़कन का इन नशा के लत से बाहर निकाला गया, कौन आंकड़ा है? और आखिरकार जो आंकड़ा दिन जाते कि इतने लाख सीसी कोरेक्स के पकड़ी गई, इतना गांजा पकड़ा गया, इतना अवैध शराब पकड़ी गए और तमाम अन्य नशा के अवैध सामग्री पकड़ी गए, तो सवाल ये उठत है कि आखिर ये कारोबार शुरू कहां से हो रहा है, कहां से चल रहा है ये कारोबार? का यह आज से शुरू हुआ है, यह 5 महीना पहले शुरू हुआ है, या 2 साल पहले शुरू हुआ है? ये तो बहुत दिन से चलाता है ना, वही थे वह पुलिस जान रही कि या अवैध कोरेक्स यदि छात्र छात्रन के बीच पहुंची, नौजवान युवक युवतिन के बीच पहुंची, तो देश के का दुर्दशा हुई का वो समय अंदाजा नहीं रहा? यदि कोनो चीज बढ़ी रही है तो ओका वह वक्त का ही नहीं खत्म की जाए जब वो शुरुआती दौर में हो, का ही ये वक्त के इंतजार की जाए कि कोनो एक छोट का फुंसी नासूर बन जाए, कैंसर बन जाए। यह कैंसर हो गया है अवैध नशा, जौने पर लगाम कड़ाई से लागे चाहिए। वह माता पिता जिम्मेदारी लें कि हम हूं अपने घरे में लड़का पर पूरी की पूरी नजर रखब। लड़कों के अंदर यह हो चाहिए कि हमारा बाप महतारी का करी ही यदि हमका कुछ हो जीता। जिम्मेदार जो आम जनता के टैक्स के पैसा से तनख्वाह पाई रहे हैं उन्हों का सोचे चाहिए कि जब समाज के जिम्मेदारी व्यवहारी के जिम्मेदारी हमका दीन गई तो हम वो जिम्मेदारी के निर्वहन करी, तब जाके ये नशा के जंग खत्म हो पाई और एक समृद्ध विंध्य देखे का मिली, एक विकसित विंध्य देखे का मिली, विकासशील विंध्य देखे का मिली। नहीं थी कंक्रीट के जंगल से विकास नहीं हो, बल्कि वह क्षेत्र में रहने वाले लोगों से वह विकास के कल्पना की जाती। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है,
बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004161 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौज तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,